नमस्कार साथियों, मैं योगेश गुप्ता एक बार फिर से स्वागत करता हूँ एक नए प्रश्न के साथ। देखिए, आपके सामने एक प्रश्न लिखा हुआ है और आजकल ये प्रश्न आ रहा है, एक शिफ्ट में आ चुका है। अब आ चुका है तो इसमें क्या क्या वैरायटी बन सकती है वो मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि ये तीनों वैरायटी के प्रश्न आते हैं और तीनों वैरायटी में क्वेश्चन के आंसर जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। ओके, चलो फिर यार प्रश्न को समझते हैं क्या। तो क्वेश्चन आपके सामने जो लिखा हुआ है बहुत ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। बोला जा रहा है कि समान ऊर्जा के साथ, समान ऊर्जा मतलब समान ऊर्जा वाला केस है इसमें। एक्चुअली में तीन केस बना करते हैं। पहला जो केस बनता है वो बनता है समान ऊर्जा का, दूसरा केस बनता है जब समान संवेग दिया हो, और तीसरा केस बनता है जब तुम्हारा हो समान वेग, है ना। तो याद रखिए, पहला जो केस लिखा है कि समान ऊर्जा के साथ गति कर रहे एक ट्रक और कार, मतलब गति कर रहे एक ट्रक और एक कार। और फिर बोला जा रहा है कि जब समान मंदक बल लगाया जाता है, मतलब उसने रोटने के लिए समान बल लगाया है, तो रिटार्डेशन फोर्स कांस्टेंट है, तो इस तरह अवस्था में लाया जाता है तब कौन कम दूरी के बाद रुकेगा, मतलब इन दोनों में से कार और ट्रक में से, कार और ट्रक में से कौन कम दूरी पर जाके रुक जाएगा, ये सवाल है ना। तो आपने कई बार देखा होगा इस प्रश्न का आंसर कई बार ट्रक दिया रहता है, कई बार कार, और कई बार दोनों बराबर दूरी तय करता है। तो इसको समझना पड़ेगा हमें, ये कैसे निकलता है ना। तो फिर से मैं आपको बता दूं, यहां जहां मैंने समान ऊर्जा लिखा है, कई बार यहां पर समान संवेग लिखा होता है और कई बार यहां पर समान वेग लिखा होता है। ये तीन वैरायटी के क्वेश्चन बनते हैं, इस बात को याद रखिएगा। चलो अब मैं आपको इसका सोल्यूशन बता देता हूं कि इसका सोल्यूशन कैसे करना है आपको। पहले आप ये याद रखिए, जब भी कभी किसी कार को जो मान लीजिए वेलोसिटी के साथ चल रही है तो उसके पास होती है गतिज ऊर्जा, फिर जैसे आप ब्रेक लगाते हो ना तो वही गतिज ऊर्जा घट घट के जीरो हो जाती है, और वही गतिज ऊर्जा कन्वर्ट हो जाती है मंदक बल द्वारा किए गए कार्य में, है ना। तो यहां पर कुछ नहीं करना आपको, सीधे सीधे ये बताना है सर कि जब गाड़ी चल रही थी तो उसके पास थी गतिज ऊर्जा, ध्यान से सुनना, और जब गाड़ी रुक जाएगी ब्रेक लगाने के बाद तो उसे आपको कार्य के बराबर करना है, वर्क के बराबर करना है। अब गतिज ऊर्जा के अलग अलग कॉन्सेप्ट हो सकते हैं भाई, गतिज ऊर्जा के अलग अलग फॉर्मूले हो सकते हैं। तो कहना गतिज ऊर्जा तो आप थोड़ी देर के लिए टे मान लीजिए, और वर्क को आप मान लीजिए कि बल गुणे विस्थापन, बल गुणे विस्थापन, है ना। और यहां पर ये जो बल है ना, ये तुम्हारा मंदक बल है, रिटार्डेशन फोर्स है, इसलिए मैंने एफ आर कह दिया। तो आप ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो आप गौर से देखिए कि अगर यहां गतिज ऊर्जा के मैं दो फॉर्मूले लगा सकता हूं, अगर वेलोसिटी को मुझे समान करना है तो हाफ एम वी स्क्वायर बराबर घर्षण बल इंटू एक्स कर दूं, ध्यान से सुनते रहना। और अगर मुझे संवेग को कांस्टेंट करना है तो गतिज ऊर्जा का एक फॉर्मूला लगा सकता हूं पी स्क्वायर अपॉन टू एम, और इधर कर सकता हूं एफ इंटू एक्स। ये मैं तीन फॉर्मूले के साथ अलग अलग तीन रिजल्ट के आंसर दूंगा। आप लोग गौर से देखिए, यहां पर मैंने तीन फॉर्मूले लिख दिया, और तीनों फॉर्मूले में कैसे आंसर देना है मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। जैसे कि अगर मैं लास्ट वाले केस की बात करता हूं, पी स्क्वायर बटे टू एम बराबर एफ इंटू एक्स, जो कि गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। तो मैंने कहा कि मान लीजिए सर सवाल में बोला गया है संवेग कॉन्स्टेंट है, ये देखिए संवेग कॉन्स्टेंट है, दूसरा वाला पहले मैं सॉल्व कर देता हूं। तो मान लीजिए सवाल में बोला गया है संवेग कॉन्स्टेंट है, तो मैंने संवेग को बोल दिया कि मोमेंटम मेरा कॉन्स्टेंट है, ये देखो। तो आप गौर से देखिए, अगर मोमेंटम कॉन्स्टेंट है तो एक्स एम पर कैसे निर्भर कर रहा है, तो कहना एक्स एम पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब यह है कि जिसका द्रव्यमान कम होगा वो ज्यादा दूरी तय करेगा, जिसका द्रव्यमान ज्यादा होगा वो कम दूरी तय करेगा, उल्टा है। तो आप कह सकते हो कि अगर संवेग समान है तो भैया उल्टा है, द्रव्यमान कम दूरी ज्यादा। अब मुझे ये बताओ कार और ट्रक, ट्रक और कार में से किसकी दूरी या किसका द्रव्यमान कम है, तो कहना ट्रक और कार में से भैया कार का द्रव्यमान कम है। अगर कार का द्रव्यमान कम है तो इसका मतलब अगर द्रव्यमान कार का कम है तो कार द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगी। तो संवेग समान होगा तो धारक ना कार द्वारा तय की गई दूरी ज्यादा होगी और ट्रक द्वारा कम होगी, ये बोल सकते हो, क्लियर है इतना। मान लीजिए थर्ड केस लिखा जब वेलोसिटी समान हो, इसको भी देख लेते। अगर बच्चा वेलोसिटी समान है तो देखो याला फॉर्मूला लग रही है हाफ एम वी स्क्वायर बराबर एफ इंटू एक्स। तो याले फॉर्मूले से साफ साफ पता चल रहा है कि जो द्रव्यमान एक्स है ना, या दूरी एक्स है, वो द्रव्यमान एम के समानुपाती है, दूरी एक्स द्रव्यमान एम के समानुपाती है, दूरी एक्स देखो। तो इसका मतलब जिसका द्रव्यमान ज्यादा उसके द्वारा चली रही दूरी ज्यादा, हरा। तो ट्रक और कार में से किसका द्रव्यमान ज्यादा, कहना ट्रक का। तो जब वेलोसिटी समान होती है तो धारक ना ट्रक द्वारा चली रही दूरी
ज्यादा होती है और कार द्वारा चली गई दूरी कम होती है, याद रखिएगा। फिर आता है जब गतिज ऊर्जा समान हो, यानी ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना पड़ेगा, ये वाला। अब आप मुझे बताओ गतिज ऊर्जा कॉन्स्टेंट, ध्यान से सुनना, मतलब कह सकते हो कि तुम्हारा ये के कॉन्स्टेंट, मंदक बल पहले से कॉन्स्टेंट बोल रहा था सवाल में, तो आप देखिए एच का फॉर्मूले में अगर के कॉन्स्टेंट आया है, एफ आर कॉन्स्टेंट आया है, तो यहां एच भी कैसा आएगा, कॉन्स्टेंट। तो जब भी कभी गतिज ऊर्जा कॉन्स्टेंट होगी तो याद रखना x का मान भी कांस्टेंट होगा, अर्थात चाहे ट्रक हो चाहे कार हो, दोनों के द्वारा चली रही दूरी बराबर होगी। बताइए तो आप सब लोगों को यह कॉन्सेप्ट कैसा लगा, क्योंकि बहुत धासु कॉन्सेप्ट होता है। होता क्या है कि कई बार प्रश्न में आंसर में प्रश्न में संवेग लिखा रहता है तो ये वाला उत्तर सही कर देता है, अगर वेग लिखा रहेगा तो ये वाला उत्तर सही कर देगा, अगर ऊर्जा लिखी रहेगी तो ये वाला उत्तर सही कर देगा। तो आपको ये बात एकदम क्लियर हो जानी चाहिए कि कब कौन सा उत्तर सही होना है ना। फिलहाल ये कॉन्सेप्ट आपको कैसा लगा, ये वीडियो कैसा लगा, नीचे मुझे कमेंट करके बताइए। और इस तरह के और भी वीडियो के लिए मैं डेली आप लोगों को अपडेट करता रहूंगा, कमेंट जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, बताइए कि अगर ऐसा सवाल आपके सामने आ जाए दोबारा तो क्या आप लोग निकाल पाओगे। ठीक है, धन्यवाद।